हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिरो यारो में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको एक्शन कैमरा मेरा हेलमेट पे माउंट करके आपको मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप दिखाऊंगा। मैं कुछ फुटेज दूंगा आपको अभी मोटो ब्लॉगिंग के, तो आइडिया आएगा कि किस तरीके का क्लियरिटी है डिजिटेक के एक्शन कैमरा के। तो गाइज, ये मेरा वेगा का हेलमेट है जिससे मैंने ये स्ट्रैप माउंट किया है। इससे मैं अभी मेरा एक्शन कैमरा उस पर माउंट करूँगा। ये जो एक्शन कैमरा माउंट है, ये स्टेप एक्शन प्रो का, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे मैंने इस तरीके से इसे फिट किया है, आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से फिट हुआ है इसमें। अब मैं यहाँ पे मेरा एक्शन कैमरा माउंट करूँगा। डिजिटेक का गो कैम है, इसको मैं जब इसमें फिट करता हूँ तो कुछ इस तरीके का लुक आता है, आप देख सकते हो। ये इस तरीके से मैंने इसको फिट किया है, इसमें साइड से कुछ इस तरीके का लुक आता है। यहाँ से ऑपरेटिंग भी इजी है, मतलब ऊपर बटन है, आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो 4K अल्ट्रा HD वाईफाई का भी सपोर्ट है, तो आप वाईफाई से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर अभी मिलते हैं राइडिंग मोड पर। ओके, तो गाइस हम लोग अब हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि एक्शन कैमरा के माइक से मुझे वॉइस नहीं आ रहा था। मेरा वॉइस बहुत स्लो आ रहा है, बाकी अदर गाड़ीज़ का साउंड और आजू बाजू का साउंड प्रॉपर आ रहा है, बट मेरा वॉइस नहीं आ रहा था। तो इसके लिए मैंने अभी इसमें मेरे मोबाइल से अब मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस को। तो अभी आपको ये फुटेज भी का आइडिया आ जाएगा, फिर मैं इसको एडिटिंग में सिंक करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके का फुटेज है स्टेबलाइजेशन। अगर आपको लंबा टूर करना है और अगर आप लंबा टूर करने चाहते हो, तो लंबा टूर करते वक्त तो आपको 1080 ही बटन पड़ेगा मेरे घर से, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको मिलेगा स्टोर करने, और बहुत कुछ कवर कर पाओगे उससे हमारा है। तो ये विरार पाते से अब होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का रोड पूरा ऑफ रोडिंग जैसा ही है थोड़ा बहुत, तो फुटेज किस तरीके से आ रहे हैं आप पता चल ही जाएगा। यहाँ से हमें राइट मार के हाईवे पे कनेक्ट करना है, और सर्विस रोड से होते हुए अब हम ये राइट में हाईवे पे कनेक्ट किया है। चलिए गाइस, अब गाड़ी थोड़ा भगा के देखते हैं, जब फुल थ्रॉटल दे के अब हम किस तरीके का फुटेज रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो इसमें कितना विंड नॉइज़ आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, इस चीज़ का भी अपन को आइडिया आएगा। तो आप देख सकते हो अभी मेरा स्पीड है 80+, मेरी गाड़ी का 80-90 स्पीड है अभी, आप देख सकते हो ये 90+। ट्रैफिक दिख रहा है आगे, शायद कुछ सीन हो गया है आगे, किंग कुछ एक्सीडेंट हुआ है आगे, और टेम्पो वाला नीचे घुस गया है। हो, आई होप किसी को कुछ नुकसान न हुआ हो बेचारा। पूरा देख सकते हो आप, ये इसका टैंको पूरा नीचे गिर गया है, पुलिस वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं, भगवान करे किसी को कुछ लगाना हो, बेचारेगा टैंको पूरा नीचे गिर गया है। कैसे बेचारा क्या एक्सीडेंट हुआ है। ओके, तो गाइस अभी जो आपने फुटेज देखा वो मैंने अपने डीजी कैम के एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड किया था, जो डे का फुटेज था। ओके, तो डे के फुटेज में मैंने बहुत सारे ये ट्राई किए थे, लाइक 4K 2K एंड 1080, तो सबका मैंने फुटेज ट्राई किया, 5K भी ट्राई किया, बट वो नहीं सपोर्ट कर रहा था। बहुत ही अच्छा फुटेज इससे आ रहा है, मतलब बजट कैमरा है तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा फुटेज आ रहा है, तो डे लाइट में बहुत ही अच्छा और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी लैगिंग हैंगिंग इशू नहीं आया मुझे। बस एक ही इशू है कि इसका जो इंटरनल माइक है उससे जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा वॉइस वो नहीं कैप्चर कर पा रहा है प्रॉपरली, और वो जो बाहर का जो अदर साउंड है जैसे गाड़ियों का आवाज़ हो गया या वो सब प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है, बस मेरा वॉइस है वो नहीं रिकॉर्ड हो रहा। तो अभी मैं जो भी मतलब रिकॉर्डिंग करूँगा वो मुझे मोबाइल फ़ोन के इससे करना पड़ता है, मतलब मोबाइल फ़ोन से ऑडियो को लेके उसको सिंक करना पड़ता है। तो अभी मैं जो भी रिकॉर्डिंग करूँगा ना, तो उसमें मुझे मोबाइल फ़ोन से मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और वीडियो को एक्शन कैमरा से कैप्चर करना पड़ेगा। तो उस तरीके से मैं इसको
कैप्चर करूंगा। तो अभी गाइज मैं आपको स्लो मोशन दिखाता हूँ उसका, टाइम लैप्स भी मैंने निकाला था बट टाइम लैप्स के फुटेजेस इतने अच्छे नहीं आ रहे, वो इतना प्रॉपर नहीं फुटेज दे रहा है वो कैमरा, तो स्लो मोशन बहुत ही अच्छा दे रहा है। तो आप अभी स्लो मोशन का वीडियोस देखिए, मैं आपको अभी स्लो मोशन का वीडियोस दिखा। तो ये था मेरा डिजिटेक का गोकैम का एक्शन कैमरा का रिव्यूज, जो मैंने आपको फुटेजेस आप यहाँ पर दिखाया, तो 1080/60fps पे थे, जिसमें मैंने आपको डे टाइम का फुटेज, स्लो मोशन और नाइट का फुटेज भी दिया है। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट निकल के आता है डिजिटेक के गो एक्शन कैमरा का। और मैंने इसका जो ब्लॉगिंग सेटअप किया था हेलमेट पे माउंट करके, इस तरीके के सेटअप से जो वीडियोज निकल के आए थे वो मैंने अभी आपको दिखाए। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तो ये डिजिटेक का गो कैम का वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी मैं इसी से कंटिन्यूस व्लॉगिंग करूंगा और मेरे ट्रैवल व्लॉग में इसी को इंक्लूड करके जो भी वीडियोस आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर इस, बाय।